सलाम आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बरवी पंचायत के रजगट्टा गांव में पिछले दिनों जो है आग लगने से चार घर जो है आग के जद में आया था। और आप लोगों को पता होगा, मैं लगातार इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है और आपने देखा भी होगा कि इससे पहले की कितनी भीषण आग लगी थी यहाँ पे और हजारों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जमात इस्लामी हिंद के प्लेटफॉर्म से भी काफी मदद की गई और खालिद नदवी साहब जो है हमारे साथ भी हैं, इस वक्त उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। उन्होंने भी अपने जरिए से और बहुत सारी मदद की। वजुल कमर साहब है, इमाम साहब, नजरा मोहम्मद अली साहब है, तो उन तमाम लोगों ने भी मदद की और अभी भी वो आए हुए हैं। यहाँ जो एस्बेस्टस वगैरह छत पे घर पे डाला जाएगा उनके सिलसिले में आइए हम बारी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटने पर। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मरी पंचायत के रजगट्टा गाँव में जो आग लगी थी, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें इमाम साहब मोहम्मद अली साहब की तरफ से मिली थी और फौरन हम लोग यहाँ पहुँचे और जायज़ा लिया। उसके मुताबिक हम लोगों का जो मंशा थी वो ये थी कि पहले इनको शेड हो जाए और जब घर हो जाएगा तो धीरे धीरे सारा सामान आना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ के जो मुखिया हैं और जो लोग हैं वो इनको दूसरी मदद कर रहे थे, इसलिए हम लोगों का प्रेफरेंस था कि घर पहले इनका बन जाए। अभी मुख्तलिफ जगहों पर दो चार घर, एक घर शादी का घर भी जला है लेकिन वहाँ तक और लोग नहीं पहुँच पाए। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे जावेद साहब हैं, इन्होंने भी मुख्तलिफ चीज़ें बताई और बहुत बुनियादी चीज़ें जो होती हैं वो बताई उन्होंने। तो उसके तौर पर हम लोग यहाँ आए और लगातार टच में रहे और आज ये जमात इस्लामी हिंद है, ताहिर हुसैन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है और दीगर वो हैं, तो उनके ज़रिए तआवुन हो रहा है। तो तआवुन करने के लिए हर इदारा वो आज़ाद है, उसे करना चाहिए और इंसानियत की खिदमत में हमें अपने इदारे को उस तरह से नहीं जाहिर करना चाहिए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं चेयरमैन खालिद हुसैन नदवी साहब हैं। ये मैं आपको बता दूं इनके तारुफ के लिए चंद बातें। ये जो हैं समाज से भी हैं और लोगों के हर दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं और हमने अक्सर इनको देखा है और पाया है कि ये तमाम तरह की जो मुसीबतें आती हैं या प्राकृतिक आपदा आती है खास करके उनमें ये रहते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं कि अपनी बात रखें और लोगों को बताएं। नामो नमूद से हटकर मैं अगर ये समझूं कि इस तरीके के काम में हम सबको बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए, इसी बुनियाद पर जब मौलाना मोहम्मद अली साहब, इमाम खतीब नजरा और जनाब वजीर कमर साहब ने बताया तो मैं सुबह आया, जिस दिन ये वाकया पेश आया था, हादसा हुआ उसी की सुबह में, और हम लोग आकर यहाँ से देख कर गए और उसी रोज़ हम लोगों ने यह फाइनल जाता है, इरादा कर लिया इंशाल्लाह ताला। इन सबसे पहली और बुनियादी और सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है मकान, बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चे और ख़ुद फैमिली लावारिस की तरह से नज़र आए ये मुनासिब नहीं था। एक वक्त तक खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम सर छुपाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। चुनांचे हमने अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिल करके इस काम को अंजाम देने की कोशिश की। इस दरमियान मालूम हुआ मुझे भी कि इमारत शरिया की भी तशरीफ लाए और शायद उन्होंने 2000 रुपये की रकम का ऐलान किया। यकीनन बात ठीक है, लेकिन ये कि जो वजीर कमर साहब ने अभी कही है बात, ये सबसे पहला और बुनियादी काम था मकान, उसका ऐलान करना चाहिए था, उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे हम अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए मामला ये है कि जो इतनी बड़ी तंजीम हो, जिसके पास करोड़ों का फंड हो, वो सिर्फ ये आश्वासन ही देता रहे हम बात करेंगे, हम कहेंगे, तो हमारी समझ से बाहर है। हम लोग इंडिविजुअल चलाते हैं अपने ट्रस्ट को, मेरा ट्रस्ट गवर्नमेंट से लेता है और न ही मेरे ट्रस्ट को कोई आवामी सपोर्ट है, चंदा हासिल है। तो हम भी आगे यही कह सकते थे कि हम वादा करते हैं इंशाल्लाह 2-4 महीने में करवा देंगे, ये 2-4 महीने का वक्त कैसे गुजरता है इनके साथ, ये कभी किसी ने सोचा? एक एक लम्हा जरा आप यहाँ पर खुद बैठ करके देखिए,
आपके सर से साया छीन लिया जाए और उसके बाद तब दो चार दिन गुजारिए और हम आके कहें आपसे यहाँ कामरान साहब मैं बहुत जल्दी आपको मकान बनवा दूंगा, उस वक्त जरा महसूस कीजिए आप अपने बच्चों के साथ क्या महसूस करेंगे। इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने कहा घर तो चूंकि बहुत ही बेसिक जरूरत है और उसी दिन हो जाना चाहिए, जितना जल्दी हो जाना चाहिए था हो गया। अभी एस्बेस्टस वगैरह डलवाया जा रहा है या इसमें आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए कंट्रीब्यूशन मैं बताने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बस ये समझिए कि इंशाअल्लाह ताला इस मकान के तैयार होने में जो भी खर्च होगा वो हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे और इसके बाद हमारा दूसरा मरहला जो होगा अल्लाह ने अगर चाहा और आप लोगों की दुआएं रही और इन लोगों की किस्मत में अगर अल्लाह ताला ने हमारे जरिए कुछ लिखा होगा हमारी टीम के जरिए तो इंशाअल्लाह राशन वगैरह का भी हम लोग करेंगे। तो अब